प्रणाम बेटा, कैसे हो? आज तारा खातर लाया हूँ भाई SCRT कक्षा चौथी, विषय है EVS झरोखा और पाठ है 18 है बात मानचित्र की। मानचित्र वो है भाई अपना मैप, वो है नक्शा, और नक्शा कोई भी चीज का फोटो उतारा करें, एक किस्म का उस चीज का उस है फोटो न्यू का न्यू दिखाना, वो नक्शा हो गया जुकर भारत का नक्शा तैर दिया पे इब कापी का मैं सारा का सारा भारत तो आवे को नहीं, तो उसका फोटो तैर के दिखा सका। हाँ इसे त्रिया सारे संसार का, हरियाणा का या अपना स्कूल का मानचित्र तैरना है मान लिया, अपना घर का गांव का, तो भाई मानचित्र के बारे में कौन सी दिशा कतोड़ो वैसे उसके बारे में चर्चा करांगे, और अपने घर के आसपास खेत में जाते होने स्कूल में जाते होने के रास्ता कतोड़ कतोड़ मुड़ा है दाएं बाएं या पश्चिम पूर्व में उत्तर दक्षिण में के है, हरियाणा भारत का नक्शा के बारे में विस्तार से चर्चा करांगे भाई। आप तैयार हो भाई चुन्नू मनुआ? तो भाई इतना बड़दा ना छेड़ा है, इतना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं भाई रिकेश का अपने यूट्यूब चैनल पर, पहले तले के 5 मिनट का सारा सिलेबस GK टेस्ट तैयारी है, और भाई ठेठ हरियाणवी में है, बड़का का समझ में आने की चीज है, बिल्कुल अपने अभिभावक और शिक्षक सारे जुड़े हुए, सारे हरियाणा के एकमात्र चैनल जो कि हरियाणवी भाषा में पहली तले के 5 मिनट का ठाणा ठा रखा है, आपका सहयोग जरूरी है भाई इसमें, वांछित है दिशाओं की दोहराई। सुरेखा ने स्कूल कई लाइब्रेरी से किताब लेकर एक कहानी पढ़ी, कहानी में एक जगह लिखा था कि राजा का नाम चारों ओर फैल गया, वह सोचने लगी चारों ओर यानी चारों दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। सुरेखा को याद आया कि तीसरी कक्षा में उसने रेखा चित्र और दिशाओं के बारे में पढ़ा था, उसने झट से कॉपी पेंसिल उठाई और कॉपी में अपने घर को 2 तरीकों से बना दिया। अगले दिन उसने अध्यापिका को अपनी कॉपी दिखाई, 2.5 इसने स्कूल का चित्र रेखा चित्र बना दिया। रेखा चित्र तो वो है अकबर उसकी जगह न्यू बताना, एडा बैठक एडा कमरा है स्कूल में, एडा अपना रसोई घर है स्नान घर है शौचालय है युगर के बारे में बता दिया जैसे, तो इसी तरह स्कूल का बना सका, यहाँ पे गांव का बना सका, कड़ा पंचायत घर है, कड़ा अपने मोड़ है, तालाब है, कड़ा अस्पताल है, तो भाई यो एक तरफ तो इसका चित्र हो गया, एक तरफ रेखा चित्र हो गया भाई घर का, तो इसमें देखो जड़ा रसोई घर दिखा रखे और रसोई घर का फोटो हो गया पलडे में, और जड़ा इसमें जो स्नान घर और शौचालय 2 कट्ठे से इसके श्यामी रसोई घर के श्यामी वो लिख दिया इसने, दरवाजे ला दिए, इस स्त्रियाँ बैठक कमरा बैठक स्त्रियाँ हो गया भाई बरामदा हो गया। तो प्यारे बच्चों ये सुरेखा के बोली अपनी मैडम तय, मैडम देखो मैंने 2 तरीकों से अपने घर को कॉपी में दर्शाया है। देखो और बताओ भाई सुरेखा द्वारा बनाए गए चित्रों में से घर का चित्र कौन सा है? चित्र नंबर 1 यानी कि पहला है जो घर का चित्र से, और जो चित्र नहीं है उसे क्या कहते हैं? रेखा चित्र कहते हैं। इनमें से जो घर का चित्र नहीं है वह रेखा चित्र है, और वो कैमरा नंबर पर गया भाई? दूसरा नंबर पर रेखा चित्र है, पहले मैं इसका फोटो यानी कि चित्र तय रखे था। ऐसा करो भाई तुम भी अपने घर का रेखा चित्र बनाओ, ले भाई पूरा बड़ा खाना सही हो, इसमें क्या करोगे था मैं जड़ा तारा मतलब रसोई घर से बैठक से बरामदा है या कुआड़ लग रहे हैं जड़ा दरवाजा से या फिर पाछे स्नान घर है या कोई मतलब गैलरी है ऊपर चौबारा से, सारी चीज इसमें लिखनी है। कड़ा कड़ा को किस किस राम को तमें बाहर लकड़ो हो, कड़ा कड़ा को भी तर रास्ता है आने जाने का, सारे दरवाजे और खिड़की दिखाई दोगे भाई? हाँ जी। चिन्ह और रेखा चित्र है। चिन्ह और रेखा चित्र है। गर्मी की छुट्टियों में सुरेखा अपने मामा के गांव गई हुई थी, उसके मामा की बेटी रीना 3री कक्षा में पढ़ती थी, दोनों में गहरी दोस्ती थी, रीना सुरेखा को अपना स्कूल दिखाने के लिए ले गई। सुरेखा क्या बोली? रीना तुम्हारा स्कूल तो बहुत अच्छा है। रीना हाँ अच्छा है, तुम्हारा स्कूल कैसा है? सुरेखा मेरा स्कूल भी अच्छा है, काश मैं भी तुम्हें अपने स्कूल ले जा सकती, पर कोई बात नहीं मैं तुम्हें अभी अपना स्कूल दिखाती हूँ। रीना वह कैसे? सुरेखा कागज पर बना कर। रीना इतने बड़े स्कूल का चित्र कागज पर कैसे बनाओगी? सुरेखा चित्र नहीं मैं रेखा चित्र बनाऊंगी। रीना कैसे? सुरेखा पहले हम स्कूल की उन सभी चीजों के नाम लिखेंगे जो अपनी जगह से हिलती नहीं, फिर उनके चिन्ह बना
बना लेंगे। वही जोन सी चीज हल्दी चलती को नहीं, जुकर पेड़ है पैरें कौन चलता, इसी तरह कमरे है रसोई घर है उनके चित्र बना लेंगे, और उसके बाद फिर जड़े जड़े वह चीज है नी उनके निशान बना लिए, कुछ भी अपनी तरफ से बना सका ये चिन्ह उसके प्रतीक बना लिए एक तरह से, जो कर इसमें दे दिया भाई शौचालय का प्रतीक या एक कटोरा सा बना दिया, यू मिड डे मील का प्रतीक यू गोल चक्कर भीतर में पीला वृत्ताकार बना दिया, पानी पीने का यू बखोरा सा बना दिया, कक्षा कक्ष का काय लिख दिया, और मुख्य अध्यापक का कमरा का लाल बिंदु गोल लगा दिया, इसी तरह मुख्य द्वार का भाई है दो त्रिभुज सी मिला दिया अपसरी में, और दरवाजे का दो रेखा सी कर दी, तो इसी तरह और भी अपनी तरफ से चिन्ह बना सका हाँ पे अपनी मर्जी के, पेड़ का चिन्ह पेड़ का पत्ता या कुछ और बना दिया। सर जी गुड़िया के हनी उसके आँख बना देंगे एक, गुड़िया के आँख बना दोगे हाँ, ऐसा करो भाई सुरेखा और रीना द्वारा बनाए गए कुछ चिन्ह नीचे तालिका में दिए गए हैं, तुम्हारे स्कूल में ऐसी और भी वस्तुएं या स्थान होंगे जो तालिका में नहीं है, खाली स्थान में उनके नाम लिखो और उनके चिन्ह बनाओ, दो या तीन चीज और बनानी है भाई जो खाली जगह है इसमें और तो बना दिए इसने। सर जी बेंच है, बेंच के चिन्ह बना देंगे, पेड़ के बना देंगे, और के है भाई तुम्हारे जो पानी की टंकी है जैसे उसका बना सका हाँ। सर जी बोर्ड भी हुआ है, बोर्ड का भी बना सका हाँ भाई, उसका स्पेशल चिन्ह बना दो एक है, या बच्चों का बना दो भाई कितने बच्चे है स्त्रियों का, एक बच्चे का चित्र या चिन्ह बना सका हाँ, कर दोगे भाई। सुरेखा ने इन चिन्हों की सहायता से अपने स्कूल का रेखा चित्र बनाया, रेखा चित्र देखकर रीना को सुरेखा के स्कूल के बारे में सब कुछ पता चल गया भाई, इसमें दे रखे यू आयताकार रेखा चित्र है, और इसमें सब तो ऊपर बीच में एक चिट्ठी हुआ करा जो कर उस टाइप का निशान लगा रखा है, निशान क्या का था ऊपर दिखा रखा था, मुख्य द्वार का, मुख्य द्वार का मतलब बड़ा गेट स्कूल का भीतर बड़ा हाँ जो, और भीतर बढ़ते भाई खब्बा हाथ ने मुड़ांगे तो दो ये लाल लाल है के दिखा रखे कटोरे है रखे क्या के थे भाई है, शौचालय के, दो शौचालय है इसके स्कूल में, और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है भाई दिशा भी लिख रखी है, ऊपर की ओर उत्तर हुआ करा है लिखने वाला हाथ ने पूर्व हुआ करा है उसका उल्टा पश्चिम, और ऊपर का नीचे दक्षिण होगी, शौचालय का आगे थोड़ा सा और आगे जाकर ना भाई यू मिड डे मील किचन है, और साथ के साथ में पानी पीने का स्थान है गिलास दिखा रखे दो रहे किचन के, क्या था भाई मिड डे मील बनाएगा उसके बाद में बर्तन बुर्तन होंगे जूठे कुठे हुए उड़े धोए जाओगे मतलब है, फिर आगे भाई ये खब्बा हाथ ने मुड़े थे आपे, और फिर चलते चलते थोड़ा सा आगे ना मुड़े तो दाई और तो यह चीज आएगी, उसके बाद बरंडा आ गया, बरंडा में कक्षा एक का कमरा आ गया भाई, कक्षा दो कक्षा तीन चार पाँच, और आगे बरंडा है सारे का एक एक दरवाजा हो गया भाई, दरवाजा बिना कमरे बने जेंगे रहा है ना जी, और भाई फिर ये पांचवी क्लास का कमरा है इसका लगता है मुख्य का कमरा, मुख्य अध्यापक का कमरा है, तो ये हमारा हेडमास्टर का कमरा हुआ है लाले ऑफिस हो गया कार्यालय हो गया एक तरह से, तो भाई वो अपना हो गया स्कूल, इसी तरह तार है स्कूल का जो रेखा चित्र है वो तो हमें बनाया सको हो भाई, तो हमने याद भी होगा कतोड़ पानी पेशाब करा करो हो, कतोड़ तो हमें प्रार्थना में खड़े होया करो हो, कड़े कड़ा पेड़ हैं कड़े कड़े तारे मतलब कमरे हैं मुख्य अध्यापक का कमरा है बोर्ड है कर सको हो भाई हाँ जी। देखो और बताओ, जमा डांक चौकड़ियां हो रहे हो तो हमें तो दो तीन पेज कर गए, जमा इंटेलिजेंट पढ़े हो और जमा पछले पछले सही जवाब दिए हैं भाई पढ़ाई ये। तो इसमें है भाई सुरेखा के स्कूल का मुख्य द्वार किस दिशा में है? सर जी उत्तर में, उत्तर दिशा में हो गया क्योंकि स्कूल मत आप उत्तर साइड में लकड़ांगे ऊपर की ओर है वो। पानी पीने के स्थान के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है? नीला तो पानी का रंग हो जाए करे बखोरा है क्या बखोरा में और नीले रंग का कलर पर रखा है। कौन सी कक्षा मुख्य अध्यापक के कमरे के सबसे नजदीक है? पांचवी कक्षा का कमरा दो रहा भाई। कक्षा एक का कमरा मिड डे मील किचन की किस दिशा में है भाई? दक्षिण दिशा में। मिड डे मील का दक्षिण दिशा में पड़ा है दक्षिण की साइड में यानी कि नीचे की तरफ हो गया पहली क्लास का कमरा। इसी तरह तारे कमरे चेक करो भाई हेडमास्टर का कमरा तो कतोड़ पड़ा है मिड डे मील तक कतोड़ पड़ा है कर लो भाई। हाँ जी। भाई मुख्य द्वार की किस दिशा में शौचालय है? पूर्व दिशा में जी। उत्तर में तो था मुख्य द्वार है और उस तक खब्बा हाथ का नहीं मुड़े यानी के बाया हाथ का नहीं मुड़े यानी के उल्टा हाथ का नहीं मुड़े यानी के ओड़ा हाथ का नहीं मुड़े तो भाई के आ गया वो शौचालय तो पूर्व दिशा होगी वह बुआ का घर है।
सुरेखा की दूर के रिश्ते की बुआ भी उसी गांव में रहती थी। इसी से पहले सुरेखा जब कभी उनसे मिलने जाती तो हमेशा रास्ता भूल जाती थी। सुरेखा ने तय किया कि इस बार वह रास्ते को ध्यान से देखेगी कि रास्ता कहां कहां पर मुड़ता है और रास्ते में क्या क्या आता है। वह उसका रेखा चित्र बनाएगी ताकि फिर कभी रास्ता न भूले। ऐसा करो भाई, अपने घर से स्कूल तक के रास्ते को ध्यान से देखो। रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों व स्थानों के लिए चिन्ह बनाकर रास्ते का रेखा चित्र बनाओ। ध्यान रहे, घर व स्कूल भी दिखाने हैं। तो नंबर एक पर तो घर दिखा देंगे भाई, और आखिरी वाला नंबर पर स्कूल दिखा देंगे। तो उसके बीच में जो ये 10 निशान दे रखे इसने, 10 मतलब 2 तो आएगी घर का दिखा दो स्कूल का, और 2 नंबर तक शुरू हो जाता रहे जो घर के पास में कोई भी चीज ओड़ा या सोड़ा हाथ न मुड़ो हो, उल्टा सुलटा दाएं बाएं न, या खब्बा सज्जन जड़े भी मुड़ो होता में, तो उस साइड में पहला नंबर पर के आवास है वो दिखा दोगे। तार है तो किक्कर का पेड़ है, सारा हरियाणा के बालक सुना है रिकेश का अपना यूट्यूब चैनल है। बिरानी किसी का किक्कर खड़ी होगी, किसी का पीपल खड़ा होगा, किसी का जोड़ होगा, किसी का कुछ भी कोई खेतों में बसे डाड़ियां में बसे, किसी का मतलब आसपास कोई खागड़ बैठे होगा। तो न्यू तो न्यू का के है परमानेंट चीज़ है जो, और अलग अलग है सबके। तो भाई वो दिखानी है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा। भाई तारा काम सही, मैंने के बेरा तारे घर का भाई कौन सी गाल, मतलब दाएं बाएं मुड़ के कतोड़ को तो मैं आओ स्कूल में, तो अपना अपना काम तारी जिम्मेवारी यू करना, कर लोगे। हाँ जी। भाई बिजली का खंभा खड़ा है जो कर, कोई मोड़ लग गया है, पीपल का पेड़ खड़ा है, बड़ी सी कोठी से, पंचायत घर से, या फिर अपना जोड़ तालाब है, या फिर भाई गमी लग गया से किसी का, किसी का भाई रेलवे स्टेशन है, या रेल की फाटक लग गया है, सड़क लग गया से, अपना डाकघर लग गया से, बैंक लग गया से, कोई दूसरा स्कूल आवास है, अड़ंग पड़ंग बिरयानी के आजकल भाई करना पड़ेगा भाई तम नहीं तो। देखो अगर भाई घर से स्कूल तक के रास्ते का रेखा चित्र बनाओ, यह तो यूँ है स्थान और जो चीज़ें उनके चिन्ह, अरे भाई क्या भाई रेखा चित्र है, इब रेखा चित्र में उनके निशान लिखाने बनाए, जो कर बिजली का खंभा का न्यारा निशान बना लियो अपना एक है, अरे भाई नीम का पेड़ खड़ा है तो पेड़ का न्यारा निशान बना लियो, इस तरह अलग अलग है आप इसका समाधान कर सका रेखा चित्र का। है जगह भाई समझ में? हाँ जी। हाँ जी हाँ जी हो रही है के कदे मैंने फद्दू बना रहे हो, पक्का याद करना है यू समझ गए? हाँ जी, मैंने तो बुक में भी लिख रखा है जी सारे। बहुत बढ़िया भाई, मापक और मानचित्र, मापक और मानचित्र। सुरेखा को रेखा चित्र बनाते देखकर रीना ने भी उसे रास्ते का रेखा चित्र बनाया। उन्होंने रास्ते में आने वाली चीजों व स्थानों के लिए नीचे तालिका में दिए गए चिन्हों का प्रयोग किया, लेकिन जब उन्होंने अपने अपने रेखा चित्रों का मिलान किया तो पाया दोनों रेखा चित्र अलग अलग दिखाई दे रहे थे। तो भाई दोनों रेखा चित्र नर नरे क्यों देखे भाई, है कि मैं गड़बड़ होगी इसका मतलब है, क्यों करो ये गड़बड़ रहा है, ये तो है सुरेखा द्वारा बनाया गया रेखा चित्र, अरे एक है रीना द्वारा बनाया गया रेखा चित्र। इसमें भाई देखो जो यह वस्तु या स्थान है, जैसे दुकान का तो एक काला चिन्ह ले लिया, पार्क का एक आयताकार काला चिन्ह ले लिया, पेड़ का एक पेड़ का निशान हो गया, हैंडपम्प का एक गोल गोल है वृत्ताकार अंदर वृत्त हो गया, और बस स्टॉप का BS लिख दिया, स्कूल का यू वृत्ताकार थोड़ा सा नाभी सा रंग ले लिया, और मामा जी का घर है यू जैसे अलग से घर का निशान बना दिया, अस्पताल का प्लस का निशान बना दिया, डॉक्टर का निशान हो अगर यू, और बुआ का घर यू सही भी। तो कुल मिलाकर उसने रेखा चित्र ये जो दो तैयार करे हैं, इनमें के गड़बड़ हुई रीना द्वारा और सुरेखा द्वारा बनाए गए हैं। जो गड़बड़ या हुई भाई, बिना मापक के बना दिए उनने, बिना माप के अगर चीज़ बनावांगे कोई गणी लंबी हो जाएगी, कोई गणी छोटी रह जाएगी, न्यू कौन चल जाया करता गणित है। तो यू रेखा चित्र है, इसमें यह बात बता रखी है कि भाई लंबा ज़्यादा है वास्तव में, दूरी ज़्यादा है तो लंबाई ज़्यादा लेनी पड़ेगी, और वास्तव में दूरी कम है तो लंबाई कम लेनी पड़ेगी। एक पैमाना फूटा हुआ है अपना, उस पर सेंटीमीटर लिखे उड़े हुए हैं, उसके हिसाबता पे ये नक्शे बनाए कहाँ सा। तो सुरेखा दौड़कर अपने मामा जी के पास गई और पूछा, मामा जी एक जैसे चिन्ह होने के बावजूद भी दोनों रेखा चित्र अलग क्यों दिख रहे हैं? मामा जी हंस पड़े और बोले, सुरेखा लगता है तुम दोनों ने ये मापक है यानी कि नाप के अनुसार नहीं बनाए हैं, सही नक्शा बनाने के लिए मापक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सुरेखा बोली, मामा जी मापक क्या होता है? मामा जी ने कहा, मानचित्र यानी कि नक्शे पर अंकित दो बिंदुओं के बीच की दूरी और पृथ्वी पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को मानचित्र का मापक कहते हैं। यह भी जानो कि
पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का मापक के अनुसार चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। तो भाई चपटी का मतलब एक शार समतल पर जो कागज है अपना, और मेज के ऊपर धरका कागज के ऊपर धरका पे उसके ऊपर कोई मानचित्र बनावा सामान लिया तो उसके ऊपर जो निश्चित अनुपात के अनुसार जो मापक के अनुसार जो मानचित्र बनाया जा वैसे वो ही मान्य हो। ऐसे ऐसा करो भाई, मापक के अनुसार अपनी कक्षा के कमरे का नक्शा बनाओ। सबसे पहले अपने कदमों से कमरे की लंबाई और चौड़ाई मापो और लिखो। लंबाई कितने कदम हुई बेटा? 12 कदम है। और चौड़ाई? 8 कदम है। भाई लंबाई हमेशा ज्यादा होया करा है चौड़ाई तो। कक्षा में लगी हुई खिड़कियों व दरवाजों की स्थिति, जैसे दीवार के कोने से खिड़की कितने कदम दूर है, ये भी कदमों से मापो और लिखो। लिख दोगे भाई? हाँ जी। खिड़की कतोड़ जंगड़े कतोड़ है या फिर कमरे के दरवाजे कतोड़ से या फिर अपना बोर्ड कतोड़ से, सारी चीज लिख के न और कदम माप के न और बनाए दो रेखा चित्र के। घनी बड़ी बात से नक्शे का मापक इस प्रकार बनाओ भाई, 1 कदम 1 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए। 2 कदम चलोगे तो कै सेंटीमीटर लोगे कागज पे? 2 सेंटीमीटर है। और जो 7 कदम चले तो? 7 सेंटीमीटर है। अब लिखो भाई, लंबाई अपनी 12 कदम थी तो कै सेंटीमीटर लिखांगे इसमें? सर जी 12 सेंटीमीटर है। और चौड़ाई? 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर की चौड़ाई होगी भाई। मापक के अनुसार कॉपी में नक्शा बनाओ। बना लोगे भाई? हाँ जी हाँ जी। झूठी ना भरियो मेरा गए तड़का ना, एक कान बड़ा होया पाओगा रोटी ओट जे झूठ बोली तो। नक्शे के नीचे मापक जरूर लिखना है भाई। नक्शे के नीचे मापक का मतलब हो गया 1 कदम = 1 सेंटीमीटर नहीं लिख देंगे। और यहाँ तो एक डेंग होगी, एक डेंग में 1 सेंटीमीटर ले लिया। जो भारत का नक्शा बनाना हो तो एक डेंग में काम चल जाएगा मैनू को चले नहीं ना जी। तो भारत का हरियाणा का संसार का नक्शा बनाना है तो कई कई किलोमीटर के 1 सेंटीमीटर लेने पड़ेंगे अपने माप के अनुसार, जब जाकर कागज पर भारत का नक्शा बनाएगा। भाई इसकी लंबाई तो है 3214 किलोमीटर है और भारत की चौड़ाई है 2933 किलोमीटर है। इतना बड़ा जे 1 सेंटीमीटर में लेन लग गया पे तो कापी कोई नहीं चंदी, बड़ा कापा चाहिएगा फिर तो नक्शा बनाने खातर है। और बड़ा कापा बनता कोई नहीं तो कुल मिला के ना भाई कई किलोमीटर का 1 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा उस पर। आई बात समझ में भाई? हाँ जी। आओ ये भी करें, सुरेखा अपने घर का रास्ता भूल गई है, उसे उसके घर तक पहुंचाओ। रास्ता ढूंढ कर उसमें रंग भरो, रास्ते में आने वाली वस्तुओं तथा स्थानों को पहचान कर उनके नाम लिखो। ले भाई तो या पड़ोसियों के भी रास्ते टोवे थी, खुद का घर काबू लगी तो वह कड़े कड़े को जाओगे या दाएं बाएं जाकर ना जड़े जड़े को इनका मतलब झूफड़ी से कीकर खड़ी से या कोई बीच में रास्ते में कुआ से घर से और अस्पताल से दुकान से पेड़ से बस स्टॉप से डाकघर स्कूल सारा जाकर ना और आखिरी में इनके घर जाकर ना या सोजेगी। समझ में आया भाई? हाँ जी। इतना अंडा की तो सोएगी थकन और क्या। आगे है भाई, वस्तुएं दे रखी है पेड़ दुकान अस्पताल घर कुआं तालाब स्कूल बस स्टॉप डाकघर और इनके चिन्ह दे रखे ही हैं। पेड़ का चिन्ह दे रखा है, दुकान का दे रखा है तो ये अलग अलग दिखा रखे हैं। तो जड़ा जड़ा ये चीज है उड़े दिखाया कर ना और भाई घर छोड़ा हो नहीं यार उड़की नहीं या रोएगी भूखी और इसके माता पिता चिंता करेंगे। हरियाणा का मानचित्र देखो और लिखो। हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है भाई? 22। अरे वाह मेरे खांड की डली बेटा, 22 जिले हैं, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ। वह सही उत्तर दिया है भाई। तुम्हारे जिले का नाम क्या है? जींद। जींद जिला है। जींद तो फिलहाल उचाना में रह जाता है भाई, नहीं कापड़ो गांव इसार का बहुत मशहूर गांव से अपना। तो भाई इसार भी सर जींद भी है, धनुआ पे अपना कब्जा सन्यू सोच ले। तो भाई तुम्हारे जिले के 3 पड़ोसी जिलों के नाम लिखो। जींद के पड़ोसी जिले कौन से वगैरह? 7-8 जिले लागा अपना है, रोहतक कैथड़ इसार फतेहबाद और पंजाब भी लागा अपना तो। और सह छोटी सी कतरन यानी कि दू जल चांद की डल है जींद, पतला पतला लंबा लंबा हा। और भाई कई जिले इसने छुए से। समझ में आ गया भाई? हाँ जी। इसे तरिया भाई अपने जो हरियाणा का और नक्शा देखो ध्यान तय,
और भाई बड़े गर्व की बात है भाई, अपने मेरे जो शिष्य थे हरियाणा जी के प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 31,000 जीत के लाए थे, जींद जिले में फर्स्ट आए थे। पहलुआ स्कूल के बच्चे दो बार, क्योंकि हरियाणा जी के सामान्य ज्ञान और पाठ्यक्रम बढ़िया था, और यह हरियाणा जी के पाठ्यक्रम और भाई टेस्ट की तैयारी और भाई आपको सामान्य ज्ञान का ज्ञान बरोटा है जो एक तरह से, वो हरिकेश कापरो यूट्यूब चैनल पे व्याकरण भूगोल इतिहास नागरिक शास्त्र पहाड़े गिनती सब की मेता लेकिन है मतलब न्यू पूरा ज्ञान का बरोटा है भाई, ठाया जाता उठा लो, पिया जाता पीजो घोल कहना है, और आगे जरूर बैंड दिया करो भाई, अगला पेज पर चलो और तोड़े से बसले। ओहो हरियाणा तो भारत में आ गए वापे तो राय, भारत का नक्शा दे रखा सा देखो, इसमें जम्मू कश्मीर का जो नक्शा दिखा रखा सा वो राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश हो गया वो। और भाई 28 राज्य हैं भारत में, कितने राज्य हैं रे? 28 राज्य। और भारत का नक्शा बनाना कुकर से माप के अनुसार लंबाई चौड़ाई कतोड़ कतोड़ से इसकी फूटा गला बना कर दिखा रखा है भाई यार, 5 मिनट में देसी दवाई पीनी हो तो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर। एक बात हो रहा है, कई बड़का ने पंदा को नहीं टोया उड़ा, वो मन अलग अलग बरोटे बना रखे हैं, ऊपर मंडली बांध रखी हैं, जुकर पहली क्लास का न्यारा, दूसरी का न्यारा, तीसरी चौथी पांचवी स्त्रिया क्लास वाइज, और फिर एक पाओगा था हमने उसमें भारत का नक्शा कैसे समझे आसानी से, तो जीके भाई ज्ञान का बरोटो में लिख रखे प्ले लिस्ट में जाकर और उसमें टोलियो भाई किस तरह था अपन भारत का नक्शा बनाना चाहिए लंबाई चौड़ाई का हिसाब से, क्यूकर क्यूकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, और क्यूकर क्यूकर कड़ा कड़ा इसके राज्य हैं राजधानी है, जमा एक लाइन में तो सारे राज्य बता रखे हैं, आसान सा जमाए सीधा सा सूत्र बता रखे 28 राज्यों का, और भाई राजधानी बता रखी है, और भारत का नक्शा बनाना सिखा रखा सारी केस का अपने यूट्यूब चैनल पर, यू तो हमें शामी भी देख लग रहे हो, निरल नीला है ये तो है, हिंद महासागर भाई अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तलाया श्रीलंका आएगी, पड़ोसी देश सबसे ज़्यादा सीमा लागा अपनी बांग्लादेश गला है, गुजरात ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री तटीय रेखा सबसे लंबी से है, और भाई उधर उत्तर और पश्चिम में लग गया अपना पाकिस्तान है, और ऊपर हो गया चीन नेपाल भूटान है पूर्व दिशा में, और भाई पूर्व में ही म्यांमार और बांग्लादेश हो गया, ऊपर की ओर जम्मू कश्मीर है, नीचे है प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुज आकार रूप में आ गया, समझ में आवा है पल्ला पड़ा सा कुएं जा गड़ मारू हूं मैं कदे खाम खा पंडे में थाली टोहे जाऊं तार है कि मैं ऊपर को जानता हूँ सारा सौदा आगा। देखो इसके प्रश्नों के जवाब दे, देखांगे भाई कौन सा एंडी एंडी जवाब देगा, अभी भारत का मानचित्र देखो और लिखो, आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया था, और भाई 29वां कहने की जरूरत को नहीं, तेलंगाना तो दिखाना है लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं दिखाना है, उल्टे फिर 28 रह गए, तो हमारे देश और उसकी राजधानी का नाम क्या है, देश का नाम भारत है, अपना देश का नाम भारत है, संगम ने बताया भाई देख लो 5.5 साल का बालक ने, और राजधानी कौन सी है इसकी, नई दिल्ली रे, वाह बहुत बढ़िया रे मेरे गड़वे, एंडी जवाब दिए भाई तना तो भाई तड़कन है, रात न रसगुल्लों की बरसात होगी, मुंह बह के सोइए, जे मुंह खुला पै गया तो रसगुल्ले मुंह में पड़ जाएंगे, और नहीं तो भाई धोखा लगेगा, रसगुल्लों की बारिश होगी, तने सही जवाब दिया जाते बताऊँ तेरा कान में और ना बताइए किसी ने, आगे है भाई हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है, भारत के पड़ोसी देशों से नाम लिखो भाई इनके, नेपाल पाकिस्तान बांग्लादेश चीन म्यांमार भूटान, श्रीलंका भी लगभग पड़ोस में लगा भाई, मालदीव भी आगे है भाई, नीचे लिखे गए राज्यों की राजधानियों के नाम लिख रहे हैं, सारे राज्य सारी राजधानी इसमें तो 5 से दे रखे हैं भाई, हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर टोलियो जुकर यू चैनल टो रखा था हमने, पढ़ने लग रहे हो न्यू है वो भी टो सको हो भाई, सीधी बात से भाई राजस्थान की, जयपुर कर्नाटक की, बंगलोर मध्य प्रदेश की, भोपाल असम की, दिसपुर जम्मू कश्मीर राज्य हालांकि था लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं जम्मू और लद्दाख, तो इसलिए इसकी राजधानी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, वैसे इसकी दो राजधानियां होती थी श्रीनगर और कश्मीर, तो भाई अगर आओ परखें क्या सीखा, ग्रामीण और शहरी घरों में कोई दो भिन्नताएं लिखो, भिन्नताएं का मतलब अलगाओ, अलग अलग बात लिखो भाई, गामा में और शहरा में जो घर में अलग अलग चीज़ पाई जावे हैं भाई, शहरा में पक्की गली हो वैसे शिविर बने हुए हैं, और शिविर बने रहे होंगे तो पाइप भी दब गए पाऊंगे, तो भाई
सारा मतलब लगभग पक्के मकान, पाइप वाले सीवर आदि की व्यवस्था हो ऐसा पक्के शौचालय, और ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय वगैरह की सुविधा अलग टाइप की हो ऐसा भाई, कुई वगैरह के शौचालय हो ऐसा, और भाई कच्ची गलियां भी पाई जावे ऐसा। सर जेड़ा पहले नरी बदबू उठा करती गांव में? गांव में सारे बदबू को नहीं होती भाई, बहुत से गांव में तो सारा तभी बड़ी सुविधा हो रही है हालांकि, लेकिन कई गांवों में जागरूकता नहीं होती और लोग एक दूसरे से ऐसा वैसी के कारण कह लो, या फिर किसी कारणवश कोई राजनीतिक मामला होता है, कोई पारिवारिक या कुणब्या का या ठोलिया का या कोई मामला हो सके ऐसे, कहीं न कहीं जो ओछी सोच के कारण भी स्त्रियां की बैकवर्डपन है या फिर स्त्रियां का मतलब है कहीं न कहीं पिछड़ापन रह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ज़्यादा सुधार हो इसे, और पंचायतों ने बहुत कुछ किया है, बधाई के पात्र हैं सभी प्रशासन, पंचायतें और समाज सेवक आदमी। किसी स्थान का रेखा चित्र अथवा नक्शा बनाने में चिन्हों की क्या उपयोगिता होती है भाई? चिन्ह से हमें पता चलता है कि इस स्थान पर क्या बना है। चिन्ह तो नहीं मेरा बढ़ जाए अस्पताल है, मंदिर है, उरे भाई यार अपना स्कूल बन रहा है, उरे पेड़ खड़े है, उरे बिजली का खंबा से, उरे घर से, उरे गली से स्त्रियों की सारी बेरा पट जा पाना चिन्हा तय। और जे चिन्ह सारे एक से हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी पिछाड़न में, आड़े के है। दूषित जल पीने से कौन से रोग हो सकते हैं? सर जी बीमारी हो जाएगी घड़ी है, जैसे हैजा, टाइफाइड, पीलिया, हेपेटाइटिस ए तथा पेचिस है। भाई काला पीलिया है, पीलिया है, दस्त लगना, उल्टी, पेचिस, डायरिया, हैजा, ये सारी चीज़ें दूषित पानी पीने तो हो सके प्यारे बच्चों, इसलिए साफ पानी पीना चाहिए और वह उबाल कर ठंडा करके पीना चाहिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए अपने शरीर में। शरीर के वजन का 65% पानी हो ऐसे, और जे 10% कमी हो जाए तो अपनी मौत भी हो सके ऐसे, इसलिए साफ और उबला हुआ ठंडा करके पानी पीवें, आंतों को साफ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीवें तो पथरी का रोग भी को नहीं होगा, और भाई आगे जाकर ना आप हष्ट पुष्ट बनेंगे, और पानी के बल जो बहुत सी बीमारियां हमारी निकल जाती हैं गुड़ के उसमें, और खून का दौरा अच्छा होगा। सर जी एक बार मेरी बेबे कहनी पथरी हुई थी, उसने नींबू पानी पी लिया। हाँ नींबू पानी पीवांगे तो नींबू काट करया करे है भीतर जाकर ना, और वो पथरी ना काट देगा बिना दवाई लिए, आप इस तरह का इलाज कर सका। पानी तो एक अमृत है भाई, अनिवार्य तत्व है, इसको बचा के भी रखो। इसके जो स्रोत है उनका अपने बहुत जानकारी ले ली थी इस किताब में, और भाई पानी की उपयोगिता बताने की जरूरत को नहीं, बता में बड़े हो गए हो 8-9 बिलैत के, और अपने पानी बचाने की ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर समझ होनी चाहिए, कीमत समझनी चाहिए जिसकी, धरती पर पानी पीने का बहुत कम से, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका बचत करोगे तो अच्छे इंसान बनोगे, प्रकृति के प्रति सेवादार बनोगे। और भाई फिर गेड़ा मारियो रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर फिर मिलांगे नई पोस्ट के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते भाई, कंजूसी कर रहे हैं कई बालक भीर, माँ बाप भीर, शिक्षक साथी भी, के बात भाई के खोट कर दिया रहा पहले तले का 5 मिल का सारा सिलेबस, इतना झागड़ मार लग रहा बड़का खतर है भाई, तारा भरोसा है चाह तो मतलब ये बड़का ना न्यू का न्यू सुना का ना अड़े बोच लियो इसने, और चाह भाई 10-20 में बैंड दो और बालक भी कोई सीख लेगा, सीधी बात है शिक्षा बैंडी होनी बढ़िया करा, ज़्यादा ज़्यादा बांडोगे तो ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, सारे बालक होशियार बने, शिक्षा का उजाला सारा हरियाणा में सारा भारत में फैले, यो उद्देश्य लेकर ठाना ठा रखे से, और रिकेश कापड़ो कल्ला चना के बाढ़ फोड़ेगा तारा सहयोग बिना, ज़्यादा ज़्यादा सहयोग करें, आगे फैलावें अपने रिश्तेदारों में, गली में, पड़ोस में, मोहल्ले में, गाँव में बतावें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कहूँ कि भाई इसका फायदा उठाओ। तो बोलो बच्चों जय हिंद।